तो ज्ञान की गरिबी में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में। हम सबको पता है कि पीएसएलवी C39 और पीएसएलवी C40 जो कि नवंबर में लॉन्च होने वाले हैं, और और जो हमारा एसएसएलवी है, मैंने एसएसएलवी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और एसएसएलवी ये तीनों मतलब दो पीएसएलवी रॉकेट हमारे उड़ने के लिए तैयार हैं, लॉन्च पैड 1 और लॉन्च पैड 2 पे। और फिर जब पीएसएलवी C40 टेक ऑफ करे, लिफ्ट ऑफ होगा, तब लिफ्ट ऑफ के कुछ ही देर बाद एसएसएलवी के लिए थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे लॉन्च पैड पे, ताकि एसएसएलवी का परीक्षण कर पाए। सो गाइज, चंद्रयान 3 फिर से लॉन्च करने के लिए रेडी है। 2021 तक लॉन्च की तैयारी हो जाएगी, और इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 का जो मॉड्यूल था, मतलब पूरा जो वो मॉड्यूल था सैटेलाइट थी, वो एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल था, मतलब उसमें ऑर्बिटर और एक लैंडर मिलके टोटल एक मॉड्यूल बना था। पर वैसे नहीं होगा चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और एक रोवर होगा, उसमें मॉड्यूल नहीं होगा। थोड़े से बदलाव करने के कारण, मतलब थोड़े से बदलाव के बाद इसरो ने फिर वही जो डिज़ाइन था वही फाइनलाइज किया है, और वही उस पर ही इसरो काम कर रहा है। मतलब महीनों के बाद हमें पता चलेगा कि डिज़ाइन कैसे, कौन से रॉकेट से इसरो लॉन्च करने वाला है हमारे चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 फिर से हमारा चंद्रयान 2 की तरह ही होगा, फिर से हम मतलब उसको एक ऑर्बिट में प्लेस करेंगे, GTO ऑर्बिट में प्लेस करने वाले हैं शायद से, पता नहीं, पर ऑर्बिट में प्लेस करेंगे उसे। फिर एक ऑर्बिट ऐसा आएगा, उस ऑर्बिट में सीधा हमारा अर्थ टू मून ट्रांसफर ऑर्बिट बन जाएगा, और फिर उल्टा फायर कर देने से हमारा एक मून की यहाँ एक ऑर्बिट बन जाएगा। फिर हम पेरिजी पे आके एपोजी कम करेंगे, फिर पेरिजी पे आके एपोजी कम करेंगे। ऐसे करते करते हम मून के बहुत नज़दीक आते जाएंगे, और फिर पहले ही जगह फाइनलाइज हो जाएगी कि यही उतरना है। फिर सब मतलब हमारा जो चंद्रयान 2 का जो वो मॉड्यूल था, उसकी सहायता से, हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर की सहायता से, ऐसे सब चीज़ों की सहायता से, और जो LRO था, LRO की भी थोड़ी सी सहायता ली, मतलब उन्होंने लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मतलब ओपिनियन है, पर देखते कैसे होता है। तो मतलब सबकी हेल्प लेके हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। हम बेहद करीब तक 2.1 किलोमीटर तक के पास आए थे हम लैंडिंग के, पर फिर से इसरो इसकी तैयारी कर रहा है, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। आई नो दैट फिर से किसी चीज़ को पहले से बनाना ये बहुत मतलब पूरा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, पर इसमें सैटेलाइट यानी कि ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर होगा। सो गाइज, सब्सक्राइब करके रखो, चंद्रयान 3 पे भी वीडियो आएगी। ज्ञान की गरिबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।